हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल ऑफ 72। तो आज हम रूल ऑफ 72 के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली आपको कैसे पता चलेगा कि एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपके पैसे कितने इयर्स में डबल हो जाएंगे। अगर हम एग्जांपल ले से, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपीज है और आपको अगर 12-13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन एन एनुअल बेसिस, तो आपके 1 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज कितने इयर्स में हो जाएंगे। तो ये कैसे कैलकुलेट करें, बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका बताने वाला हूँ कि आपको पता चले एग्जैक्टली कि किस तरीके से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 1 लाख रुपीज को हम 2 लाख रुपीज में कितने इयर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो देर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स टू कैलकुलेट। अगर हम मैनुअली कैलकुलेट करें तो मैनुअली देखा जाए तो बहुत सारा कैलकुलेशन उसमें इन्वॉल्व होगा। हमें मैनुअली 1 लाख रुपीज पे, से फॉर एग्जाम्पल 12% इंटरेस्ट मिलता है, तो 1 लाख पे हम 12% कैलकुलेट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, 1 लाख पे 12% कैलकुलेट करने के बाद 12,000 का इंटरेस्ट होगा, फिर 12,000 उसमें प्लस करेंगे तो 1,12,000 हो जाएगा। फिर 1,12,000 पे अगले साल फिर से 12% इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल बी टोटल कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो बहुत कैलकुलेटिव है ये, सिंपल तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा तरीका होता है आप कंप्यूटर का यूज करके, एक्सेल का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें भी आपको फॉर्मूला डालना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला डालना जानते हो तो आप वो इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर हम कंपाउंडेड, जो हमारा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये सारे तरीके मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, सारे तरीके हम ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरीके से हमें कैलकुलेशंस करने हैं, जो इस वीडियो में तो हम बात नहीं करने वाले हैं। हम एक सिंपल ट्रिक से ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि 1 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज में कन्वर्ट करना है हमें और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कैसे हमें कितने इयर्स लगने वाले हैं ये कन्वर्ट करने के लिए, देखते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि किस तरीके से कैलकुलेशंस होते हैं। सो व्हाट इज द रूल ऑफ 72? काफी इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ 72 क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने का ट्राई करते हैं ताकि ये रूल आपको समझ में आ जाए और एक आपके मोबाइल पे भी आप इसको यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज को हमें डबल करना है, हम क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 लाख रुपीज को हमें डबल करना है, और हमने अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया तो म्यूचुअल फंड से फॉर एग्जांपल हमें 12% इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, 12% रिटर्न्स पेमेंट कर रहा है। मैंने एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिया है, 12% से ज़्यादा भी हमें मिल सकता है। अगर हम सेविंग्स की बात करें तो सेविंग्स में अगर बात करें तो 4-5%, तो 4% रिटर्न्स हमें मिल रहा है। तो हर एक में कैलकुलेट करके बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स में कितने साल डबल लगेंगे, कितने साल लगेंगे आपके पैसे को डबल करने के लिए। और FD, अगर हम FD की बात करें तो FD कितना ऑन एन एवरेज 6% इंटरेस्ट पेमेंट करता है। तो हमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हुए हैं, रेट ऑफ रिटर्न दिए हुए हैं, म्यूचुअल फंड्स 12%, सेविंग्स 4% और FD 6%। तो अभी हम करेंगे क्या, अभी 1 लाख पे 12% ढूंढेंगे, फिर 1,12,000 आएगा, फिर उसके ऊपर 12% ढूंढेंगे, ऐसे नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है, सिंपल चीज करनी है, हमको क्या करना है, 72 को डिवाइड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। मतलब कि यहाँ की अगर बात करें तो काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है, एंड आई होप कि आप ये अपने कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो मोबाइल पे। 72 को हमें डिवाइड करना है 12 के साथ, तो हमें आंसर मिल जाएगा, एंड दैट आंसर विल बी 6 ईयर्स। तो मतलब म्यूचुअल फंड में अगर हम 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे और अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% मिल रहा है, तो हमें 6 साल लगेंगे हमारे पैसे को डबल करने के लिए। मतलब 1 लाख रुपीज का 2 लाख रुपीज कितने साल में हो जाएगा, 6 ईयर्स में हो जाएगा। अगर सेविंग्स की बात करें, अगर हम सेविंग्स की बात करें, सेविंग्स में कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 4% है। तो हमें क्या करना है, 72 को 4 से डिवाइड करना है, तो 72 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो यू विल गेट 18। तो 18 ईयर्स हमें लगेंगे, सेविंग में 1 लाख रुपया रखा तो उसको 2 लाख बनाने के लिए 18 साल लगेंगे, 18 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। FD की बात करें अगर, तो FD में 72 को डिवाइड करना है आपको 6 के साथ, 6 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 72 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो यू विल गेट 12। मतलब FD में 12 साल लगेंगे। देखो FD में 12 साल लग रहे हैं डबल करने के लिए, उसी के सामने म्यूचुअल फंड हमारे पैसे 6 ईयर्स में ही डबल कर रहा है, तो उस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपको
6 साल में अपने पैसे डबल कर रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए वो देखना है। अगर आपको 2 साल में अपने पैसे डबल कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, समझो मैं आपको एक 3-4 एग्जांपल लेके यहाँ पे बताता हूँ। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है और इसको आप अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हमें 3 साल में पैसे डबल करने हैं, या फिर हमें एक सेकेंड सीनैरियो लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट सीनैरियो, दिस इज द सेकेंड सीनैरियो एंड दिस इज द थर्ड सीनैरियो। ठीक है, मिस्टर ए लेंगे, मिस्टर बी लेंगे और मिस्टर सी लेंगे। काफ़ी सिंपल है, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। ठीक है, मिस्टर ए बोलता है मुझे 3 साल में पैसे डबल करने हैं, मिस्टर बी कहता है मुझे 4 साल में पैसे डबल करने, और मिस्टर सी बोलता है मुझे तो 2 ही साल में पैसे डबल करने। तो अभी करना कैसे है, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। इससे हम क्या ढूंढने वाले, कितना परसेंट पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो आपके पैसे 3 साल में डबल होंगे। तो 72 को डिवाइड करना है 3 के साथ, 72 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट विल बी 24%। मतलब 24% पर एनम अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको 24% का इंटरेस्ट मिलता है पर एनुअली, तो 3 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अभी मिस्टर बी का कितना है देखें, मिस्टर बी का 4 साल है तो 72 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो इसको कितना होगा, 72 डिवाइडेड बाय 4 दैट विल बी 18% पर एनम। तो उसको 18% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 18% का रिटर्न मिलना चाहिए तो उसके पैसे डबल हो जाएंगे। अब मिस्टर सी की बात करेंगे, मिस्टर सी तो बोलता है मुझे 2 साल में ही डबल चाहिए, तो 72 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, काफ़ी सिंपल है, 72 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसको 36% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 36% का रिटर्न मिलना चाहिए पर एनम तो उसके पैसे डबल हो जाएंगे। तो क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल है, 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करना है तो आपको फिर क्या मिल जाएगा, कितने साल में डबल होंगे। और अगर हम 72 को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे कि हमको 2 साल में डबल चाहिए, हमको 10 साल में डबल चाहिए, तो उस बेसिस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। सो हमने देख लिया किस तरीके से हम रूल ऑफ 72 का यूज करके एक सिंपल ट्रिक से कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास होगा तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हमें कितने इयर्स में डबल करना है उसके बेसिस पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी ये ट्रिक पता चले कि किस तरीके से हम रूल ऑफ 72 को यूज कर सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो, टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।